वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, आज हम आए हैं सेक्टर 95। जैसे कि हम बता रहे हैं, आज के नए अपडेट है, हमारे पास कुछ प्लॉट्स आए हैं बाय द नेम ऑफ 3B होम्स। इनके पहले कुछ प्लॉट्स पटौदी में भी हैं, और ये जो हमारा प्लॉट पड़ता है सेक्टर 95 गुड़गांव के अंदर पड़ता है। ये सामने वाली जो रोड है आपकी 60 मीटर वाइड रोड है, इसकी ग्रीन बेल्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है, मेनटेन्ड है, ये मेनटेन कर रखी है इन्होंने। यहाँ पर गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है, और ये जो ये वाली रोड लीड करती है आपकी प्रोजेक्ट से निकलते लेफ्ट साइड में, ये लीड करेगी आपका NH8 पे, और राइट साइड में जाएंगे तो आप ये पटौदी रोड कनेक्ट हो जाएगी, जो आपका यहाँ पे 4 लेन बन रहा है, काम भी स्टार्ट हो गया है, और जो कि वजीरपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है KMP की। द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी रहेगी वजीरपुर फ्लाईओवर के वहाँ से। और हम बात करें प्लॉट के बेनिफिट्स की, बेनिफिट्स क्या हैं इस लोकेशन पर लेने के, कि एक तो DLF के पास में प्लॉट्स हैं, यहाँ पे एनक्लेव DLF एनक्लेव है, जहाँ पे आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपए का रेट मिलता है। वहीं यही चीज़ आपको अब 85 से 90 हज़ार रुपये गज की पे मिल जाती है, जो कि PLC अकॉर्डिंग टू होती है। जैसे कि आप पार्क फेसिंग लेना चाहते हैं, ईस्ट फेसिंग, प्लॉट के साइज़ पे भी डिफरेंट होता है, डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि 120 गज से लेके दीनदयाल के अंदर आ जाते हैं प्लॉट, 120 गज से लेके 178 स्क्वायर यार्ड तक होते हैं, गज तक होते हैं, जो कि ये साइट हमारी है बिल्कुल 95 ऑन रोड पे। इसकी जो बात करें, इसका पूरा लैंड पार्सल कितना है आपका, 8.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, और हमारे पास इसके अंदर जो प्लॉट आ जाते हैं 160 नंबर ऑफ प्लॉट 160 है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, इसके अंदर 15 to 16 प्लॉट्स ही इसके अंदर लेफ्ट है। बात करते हैं अभी, ये साइड देखिए, 3B होम्स दिखाइए, ये 3B होम्स का प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जल्दी हैंडओवर करने वाला है आपको ये प्रोजेक्ट। थोड़ा सा आगे आके देखते हैं प्रोजेक्ट पर क्या काम चल रहा है। ये इनकी सेल्स गैलरी रेडी हो रही है अभी यहाँ पे, एक गार्ड साहब हमारे यहाँ पे 24 घंटे तैनात रहते हैं, यहाँ पे अच्छे से सर्विस करते हैं यहाँ पे। बाकी हम यहीं से दिखाएंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे प्लॉट, क्योंकि काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है ये। इन्होंने यहाँ पे अभी DG पावर बैकअप भी रहेगा आउटर फसाड के अंदर इनका। बात करें तो ये डिगिंग, तो इनकी गड्ढे जो है खुद गए हैं यहाँ पे, इसके बाद अभी फाउंडेशन का काम चलेगा यहाँ पे। ये पूरा लैंड पार्सल जो है इनका ही है, वो बैक साइड में जो बात कर रहे थे वो दूसरे बिल्डर का लग जाता है बाउंड्री के बाद। बाकी 3B होम्स का काफी अच्छा नाम है, इन्होंने डिलीवर करे हैं प्रोजेक्ट टाइम से। ये देखो यहाँ पे पूरा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा लगाया जाएगा, यहाँ पे सीवेज का काम चल रहा है, STP बोलते हैं जिसको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा लगाया जाएगा यहाँ पे। ये इनकी सेल्स गैलरी है, यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं अभी ये एरिया है। हमारे पास 120 गज से प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एंड करते हैं 178 स्क्वायर यार्ड, जो लास्ट साइज़ होता है 179.99, इससे ऊपर साइज़ नहीं हो सकता। इनकी रजिस्ट्री है प्रॉपर प्लॉट्स की, आप इस प्लॉट्स को ग्रैब कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि इसके अंदर आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। आपको खाली प्लॉट के लिए यहाँ पे कुछ अमाउंट देना होता है, सम अमाउंट, उसके बाद उस पर आप लोन भी करवा सकते हैं, तो लोन से ये बेनिफिट हो जाता है। एक तो खाली आप घर के लिए लोन लेते थे पहले ज़मीन के ऊपर, अब ज़मीन पे ही लोन मिल जाएगा आपको, कितना इजी हो जाएगा। नेचर के पास में है, वेदर बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, हेल्थ कॉन्शियस जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि DLF ने जितना प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, हर कोई यहाँ परचेज नहीं कर सकता। एट दी एंड हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी है या रहने के लिए लेना है। गुड़गांव में घर लेना भी आसान नहीं है, यहाँ पे इसलिए आसान है क्योंकि कुछ अमाउंट दे के आप अपना लोन करा सकते हो। तो हमारे पास नेशनलाइज बैंक भी हैं जो इनको लोन कर रहे हैं, सो काइंडली कॉन्टेक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे प्लॉट दोबारा नहीं मिलने। थैंक यू सो मच।